बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे। खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से, जहां आईटी की छापेमारी और एक फाइनेंस कंपनी पर आईटी की छापेमारी। आईटी ने 170 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, 8 किलो सोना, 14 करोड़ कैश भी जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। एक साथ कई ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई, लगातार 72 घंटे से ये छापेमारी की गई और 8 किलो सोना, 14 करोड़ कैश सहित कुल 170 करोड़ की संपत्ति मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों को कैश गिनने में करीब 14 घंटे लग गए हैं। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में आयकर विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स ने यह बड़ी छापेमारी की है और आईटी टीम ने भंडारी फाइनेंस और आदिनाथ कोऑपरेटिव बैंक पर छापा मारा है। इस दौरान करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति मिली है, जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश भी मिला है, जिसे गिनने में 14 घंटे लगे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आयकर विभाग ने ये कार्रवाई लगातार 72 घंटे तक की है और छापेमारी में विभाग को भंडारी फैमिली के पास से 170 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति मिली है। इसके अलावा 8 किलो सोना भी मिला है। बढ़ते खबरों में आगे, बड़ी खबर राजस्थान से, जहां खदान में फंसे लोगों पर अपडेट। रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों को बाहर निकाला है, 3 अधिकारियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। डॉक्टर की जानकारी भी उनके तरफ से सामने आएगी कि वो सुरक्षित है, ठीक है, हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल 11 अधिकारियों के फंसे होने की खबर है। एसटीएल की खदान में 14 अधिकारी फंस गए थे। लिफ्ट टूटने की वजह से ये हादसा हो गया था, जिसमें 14 अधिकारी फंस गए थे। हालांकि ये बड़ी जानकारी है, 3 लोगों को रेस्क्यू कर वहां से बाहर निकाला गया है। देखिए, एम्बुलेंस लोगों की वहां पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद नजर आ रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फोर्सेस की तैनाती की गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां से सुरक्षित सभी अधिकारियों को निकाला जा सके। भजन लाल शर्मा भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सब सेफ है, सब सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे कितने लोगों को आई है? छोटे तो लगभग से ही है, 14 लोग हैं, 14 लोगों को लगभग से है, 3 लोगों को नहीं है, लगभग लोगों को चोट है। गंभीर चोट है? गंभीर के पैरों में फ्रैक्चर है, पैरों में सबकी फ्रैक्चर है, पैरों में फ्रैक्चर है सबके, बाकी सब सेफ है। तो खदान में फंसे लोगों पर देखिए ये अपडेट, रेस्क्यू ऑपरेशन कर 3 लोगों को वहां से निकाला गया। तस्वीरें भी सामने लगातार आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है। एम्बुलेंस की तैनाती है, फोर्सेस की मौजूदगी है और लगातार जो 11 अधिकारी वहां पर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी पूरी नजर बनाई हुई है, उन्होंने भी अधिकारियों को ये जानकारी दी है और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। तो रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों को वहां से बाहर निकाला है। बीती रात ये बड़ी घटना सामने आई थी और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खदान में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और 11 अधिकारी अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां ये बड़ा हादसा हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो राजस्थान के झुंझुनू में ये बड़ा हादसा और वहां से लगातार जो अधिकारी फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो लिफ्ट टूटने से 14 अधिकारी अंदर फंस गए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बढ़ते खबरों में आगे, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कानपुर के कई स्कूलों को बंद करवाने की धमकी मिली है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ के बाद अब कानपुर में भी मेल पहुंचा है। बिठूर थाना क्षेत्र के एक बड़े स्कूल को धमकी दी गई है। दक्षिण और अन्य जोन के स्कूलों को भी धमकी मिलने की सूचना है। स्कूल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए कानपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, टॉप 3 स्कूलों को ईमेल पहुंची है और धमकी के लिए रूसी सर्वर का इस्तेमाल हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर और लखनऊ के बाद अब कानपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये सभी कानपुर के नामी स्कूल हैं और ईमेल के जरिए इन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने स्कूल प्रबंधकों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन दहशत में है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि धमकी भरे ईमेल में रूसी सर्वर का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, अब तक की जांच में बम जैसा कुछ भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक बर्रा 8 के डीएमए स्कूल, नौबस्ता के गुलमोहर स्कूल, नजीराबाद के सनातन धर्म मंदिर स्कूल समेत 10 स्कूलों को मंगलवार देर शाम बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों ने ईमेल की कॉपियां निकालकर अपने क्षेत्र के थानों और पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस सक्रिय हुई और स्कूलों में जांच पड़ताल की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी वहां पर तैयारियां की गई है। तलाशी हुई लेकिन बम जैसा फिलहाल कुछ भी नहीं मिला है और स्कूलों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ईमेल वाईफाई नेटवर्क के जरिए भेजी गई है। हालांकि इसे लेकर जांच पड़ताल लगातार किया जा रहा है, इसका पता किया जा रहा है। और देखिए, इससे पहले दिल्ली की तस्वीर आपको याद होगी, दिल्ली NCR में इसी तरह कुछ दिन पहले 100 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली गई थी। साथ ही साथ वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन भी थे जहां की आबादी, जहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 700 से 800 थी, वहां पर भी ये मेल पहुंची थी, वहां पर भी ये मेल पहुंची गई थी और बम होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको तस्वीरें याद होगी, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद थी, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद थी, बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद था और लगातार जांच पड़ताल की गई। हालांकि बम जैसा कुछ भी नहीं मिला। बढ़ते खबरों में आगे, और इसी बीच बड़ी खबर, आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में 2 जनसभा, 1 रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिंडोरी और कल्याण में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी तो मुंबई के घाट कोपर में पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बीते दिन आपने तस्वीर देखी होगी, वाराणसी से उन्होंने नामांकन दाखिल किया, मेघा रोड शो वो करते नजर आए। मेघा रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। आज डिडोरी टू कल्याण पीएम नरेंद्र मोदी हुंकार भरते नजर आएंगे। लोकसभा का रण है आज महाराष्ट्र में, पीएम नरेंद्र मोदी के मौजूदगी नजर आने वाली है। मेघा रोड शो यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी, मुंबई के घाट कोपर में पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होना है। डिंडोरी और कल्याण में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 2 जनसभा, 1 रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और जेपी नड्डा आज 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जनसभा करेंगे और चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, अब 5वें फेज के इलेक्शन को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कमर कस ली है। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार तेज हुआ है और आज जेपी नड्डा 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 2 जगहों पर जनसभा करेंगे, मेगा रोड शो करेंगे। इसके मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से। तो बात अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करें तो 3 राज्यों का दौरा करते नजर आएंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और बात अब कर लेते गृहमंत्री अमित शाह की। गृहमंत्री अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं, सोरदा और बौद्ध में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनावी हुंकार बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, तो बात अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करें तो ओडिशा और साथ ही साथ 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। और गृहमंत्री अमित शाह आज ओडिशा पहुंच रहे हैं, सुरदा और बौद्ध में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह कटक में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह आज ओडिशा में मौजूद रहेंगे और लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंचने के साथ चुनावी हुंकार, 5वें फेज के इलेक्शन के मद्देनजर बैक टू बैक दौरे किए जा रहे हैं। और बात अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभाएं करेंगे। महोबा में सीएम योगी आज जनसभा करेंगे, जालौन लोकसभा में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो झांसी लोकसभा में रोड शो करेंगे सीएम योगी, लखनऊ मध्य के अमीनाबाद में भी जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, 80 की 80 सीट पर जीत कैसे हासिल हो, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली। और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। बात अगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो योगी आदित्यनाथ आज बैक टू बैक कई जनसभाएं करने वाले हैं। महोबा में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर जालौन में लोकसभा के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करने के साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील, फिर झांसी लोकसभा में भी रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है। सीएम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए गए हैं। सीएम सचिव को उत्तरकाशी में कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के निर्देश। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो सीएम धामी लगातार नजर रख रहे हैं स्थिति पर। और देखिए, दो दिन के लिए चारधाम यात्रा स्थगित भी की गई है, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है। और ऐसे में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश चारधाम यात्रा को लेकर दिया है। सीएम सचिव और मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए गए कैंप करने के लिए। निर्देश उत्तरकाशी में सीएम सचिव को, क्योंकि लगातार भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है और व्यवस्थाओं को एक बार फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, काफी ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही है। और ऐसे में कई कमियां देखी जा रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके मद्देनजर गंगोत्री यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। लखनऊ में विपक्ष की अहम पीसी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सीताराम येचुरी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आज लखनऊ में इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और बात अब राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज ओडिशा दौरा। बलांगीर में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ओडिशा के दौरे पर मौजूद रहने वाले हैं और आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा का दौरा करने वाले हैं। देखिए, बीजेपी के दिग्गज भी ओडिशा पहुंचने वाले हैं और आज राहुल गांधी भी ओडिशा में मौजूद रहेंगे। अलग अलग जगहों में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बात करें राहुल गांधी की, तो ओडिशा दौरे पर और बलांगीर में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे और कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। तो लगातार पांचवें फेज के इलेक्शन को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों की बात करें, विपक्ष के तमाम दिग्गजों की बात करें, तो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, आज गृहमंत्री अमित शाह भी ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ओडिशा के बलांगीर में पहुंचेंगे। बाइक रैली में हिस्सा लेने के साथ साथ जनसभा भी उनकी होनी है और कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं। तो बीजेपी की तरफ से 400 पार का लक्ष्य और इस लक्ष्य को साधने के लिए लगातार बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे, चुनावी हुंकार भरने के साथ जनसभा को संबोधित करने के साथ मेगा रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे। बात इधर कांग्रेस की करें, विपक्ष की करें, तो विपक्ष ने भी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं। बलांगीर में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। क्योंकि बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज ओडिशा पहुंचेंगे आज राहुल गांधी और कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे ओडिशा, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामला और सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की पेशी। राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी पेशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया जिनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला और सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की आज पेशी। राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होने वाली है। न्यायिक हिरासत खत्म और ऐसे में आज होगी पेशी। और नजर डालते पांच मिनट में 10 बड़ी खबरों पर।
इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रदेश में पांचवें चरण के मतदान से पहले पूरी ताकत लगा दी है। गठबंधन के नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ में इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ में संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इसका लोकसभा क्षेत्र में दोपहर करीब 2 बजे चुनावी सभा करेंगे। गंजाम जिले की सुंदरा डैम साइट में इस रैली का आयोजन किया जाना है। इसके बाद शाह कटक में एक रोड शो करेंगे। कटक लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए शाह करीब 5:30 बजे पहुंचेंगे और रोड शो करते नजर आएंगे। धुआंधार प्रचार प्रसार की इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। नड्डा प्रचार प्रसार की शुरुआत बिहार के पूर्वी चंपारण से करेंगे। मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करने के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे, जहां मुर्शिदाबाद में दोपहर करीब 2:30 बजे चुनावी रैली करेंगे। ओडिशा में अहम बैठक भी होगी। 4 चरणों के मतदान होने के बाद अब अंतिम 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां डिंडोरी, कल्याण और मुंबई नॉर्थ ईस्ट में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के बलांगीर में चुनावी दौरे पर रहेंगे। बलांगीर में राहुल गांधी बाइक रैली में शामिल होंगे, इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ओडिशा में राहुल की ये 3री रैली होगी और इससे पहले 3 मई को उन्होंने वर्चुअली तरीके से रायगढ़ में रैली की थी और उससे पहले 28 अप्रैल को उन्होंने केंद्रपाड़ा में रैली की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बार भले ही सीधे तौर पर चुनावी मुकाबले में नहीं उतरे हों, लेकिन अपने परिवार के राजनीतिक गढ़ रायबरेली और अमेठी में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। आज फिर प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर रहेंगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड के दौरे पर रहेंगे। हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वें चरण के मतदान को अब 1 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल ने एली चोटी की जोर लगा दी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। मतदान की तारीख पास आने पर ओडिशा की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी और बीजेडी की ओर से इसके लिए तैयारियां शुरू, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी नजर आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मॉडल टाउन में और जहांगीरपुरी में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए करेंगे रोड शो। कुरुक्षेत्र में आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने प्रचार प्रसार किया था। और बात कर लेते हैं अब मार्केट अपडेट की। अमेरिका की डाउ मार्केट और नेस्डेक बढ़त के साथ बंद हुई और भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 4.83% हुई है। सरकार के प्रयासों से भारत की महंगाई दर में 5% कम हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका की डाउ मार्केट और नेस्डेक बढ़त के साथ बंद हुई है। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 4.83% हुई है। सरकार के प्रयासों से भारत की महंगाई दर 5% कम हुई है। तो आज का बाजार और मार्केट मंत्रा को लेकर के बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका की डाउ मार्केट और नेस्डेक बढ़त के साथ बंद। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 4.83% हुई है। सरकार के प्रयासों से भारत की महंगाई दर 5% कम हुई है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। और देखिए, सरकार के प्रयासों से भारत की महंगाई दर 5% कम, साथ ही साथ एक और अपडेट कि भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 4.83% हुई है। कैसे से आप देखते हैं, क्या अपडेट है? सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करें, सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 4.83% हुई है, जो कि एक कंफर्ट लेवल है, क्योंकि 4-6% का आरबीआई का बैंड है और ये 5% की फिगर से कम हुई है। 5% की फिगर से कम है, तो ये एक रिलीफ है कि जो है ये 4-6% का बैंड है उसमें 5% से भी कम है, तो सरकार के प्रयासों का जो है इसमें सराहना करनी होगी। और साथ ही साथ, जबकि दुनिया, पूरी वर्ल्ड इन्फ्लेशन से परेशान, अमेरिका जैसी थी, यूरोप की इकोनॉमी इन्फ्लेशन से परेशान है, ऐसे में भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी में
क्या हमारी इतनी पॉपुलेशन है, आज दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया में है, वहां इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल में रखी हुई है, इसमें सरकार के प्रयासों की सराहना करनी होगी। साथ ही साथ अगर ग्लोबली देखें तो यूएस चाइना में दोबारा से वो हालात शुरू हो गए जो आज से 5 साल पहले थे, यानी कि मेरा इशारा यूएस चाइना ट्रेड वॉर की तरफ है। यूएस की तरफ से टैरिफ हाई लगा दिए गए हैं चाइना से आने वाले कई प्रोडक्ट्स को लेकर, चाहे ई व्हीकल्स हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, चाहे और कई प्रोडक्ट्स हों, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए गए हैं। अब टैरिफ लगाने की वजह से चाइना की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव झटका होगा और चाइना की इकोनॉमी हम सब जानते हैं ऑलरेडी दिक्कत में है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindra.in का क्लियरली मानना है कि चाइना की इकोनॉमी जो ऑलरेडी पीछे वहां डिफ्लेशन भी थी, वहां डेट इशू है, वहां रियल एस्टेट का इशू है, इन सब चीजों से चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी जूझ रही है। ऐसे में मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindra.in का मानना है कि चाइना के लिए ये नेगेटिव झटका है और दोबारा से 5 साल पहले जो हम डिस्कशन किया करते थे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है और ये दुनिया को फर्दर स्लो डाउन की तरफ ले जा सकती है। बट हिंदुस्तान को इसमें फायदा है क्योंकि इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप है, इंडिया के साथ अमेरिका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो हिंदुस्तान के साथ कारोबार बढ़ सकता है। और आज एक चीज हमें देखनी होगी, जहां दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो डाउन दिख रहा है, वहां इंडिया की इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है, बहुत तेजी से दौड़ रही है, चाहे GDP ग्रोथ की बात करें, GST कलेक्शन की बात करें। और मेरा ही मानना है कि जैसे हिंदुस्तान अब मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है और चाइना को लगातार नेगेटिव झटके लग रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान का भविष्य ना सिर्फ एक सर्विसेज इकोनॉमी बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के रूप में बहुत अच्छे से दुनिया के पटल पे उभरते आने। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट अपडेट की जानकारी शेयर करने के लिए। तो देखिए अमेरिका के डाउ मार्केट और नेक्स्ट डे बढ़त के साथ बंद हुई, तो भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 4.83% हुई है।